मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मानवी चौहान अपने चुनावी दौरे के दौरान गुरुवार को इंदौर में रही, जहां शहर के श्रम शिविर में हुए आयोजन में उन्होंने शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब चुनाव में जनता इन्हें बताएगी परिणाम। आज हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मानवी दीदी चौहान पूरी 27 उपचुनाव सीटों पे दौरे कर रही हैं, तो उनका कल से सांवेर दौरा था, तो आज हमने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया था कि महिलाओं से रूबरू हों और उन्हें मतलब संबोधित करें और उपचुनाव की क्या तैयारी है, वो कैसे करना है वो बताएं। तो ये कार्यक्रम था और हमारी मानवी दीदी ने महिलाओं को कहा है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, धोखे की सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उन्हें सबक सिखाना है, जितने भी गद्दार हैं धोखेबाज लोग हैं उन्हें भगाना है और चुनाव जीतना है, और महिलाओं की टीम कैसे कार्य करेगी उन्होंने ये भी बताया। देखिए महिलाओं की इस बार तो हम बिल्कुल लड़ाई करेंगे, क्योंकि सतत 15-20 साल से हमारी महिला कांग्रेस की महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पदाधिकारी हैं, डंडे डंडे बैनर प्रदर्शन पुतला दहन सब वो करती हैं, और इस बार 42 सीटें हुई हैं, तो कुछ सीटें ऐसी हुई हैं कि जहां महिला कांग्रेस की पदाधिकारी रहती हैं उन्हीं का वार्ड है और उन्हीं की महिला सीट हुई है, तो हम ऐसी प्राथमिकता रखेंगे कि जो महिला का वार्ड महिला हुआ है और जो उस कैटेगरी का हुआ है तो उसे प्रयास करेंगे कि उसे ही टिकट मिले और उसे ही चुनाव लड़ाया जाए, नहीं तो फिर तो हमारे परिवार में बात रखेंगे कांग्रेस परिवार में। इंदौर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शशि यादव के नेतृत्व में शहर के श्रम शिविर भवन के सभागार में महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मानवी चौहान का सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान जहां उन्हें साफा बांधा गया और भगवान गणेश का चित्र भेंट किया गया, वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की रीति नीति गलत है, वहीं सरकार गिराने और पार्टी बदलने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री तुलसी सिलावट को लेकर भी चौहान ने जमकर निशाना साधा। वह बोली कि उपचुनाव होने के बाद चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और प्रदेश में फिर से कमलनाथ सरकार बनेगी। इंदौर के श्रम शिविर में हुए आयोजन में मुख्य रूप से मनीषा शिरोडकर, सुशीला यादव, शशि हाड़ा, मीता मौर्य, अर्चना राठौर, अर्चना जीनवाल, साधना भंडारी, सीमा यादव सहित कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रही। उपचुनाव होने वाले उसमें महिलाओं की कितनी प्राथमिकता रही, कितने से राजनीत आगे बढ़ा? देखिए मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जो हमारी इंदौर प्रॉपर से जितनी भी हमारी प्रदेश की पदाधिकारी हैं, जिले की पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये सब हमारे जितने सावेर में ब्लॉक हैं उन ब्लॉक में 21-21 महिलाओं की हम टीम बनाकर वो घर घर द्वार द्वार तक कार्यक्रम लेके जाएंगे। जो 15 महीने की हमारी कांग्रेस की सरकार रही है, आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में विकास कार्य की है वो हम घर घर तक पहुंचाने के काम करेंगे महिलाओं के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बनी और आते ही मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम 51,000 की राशि नहीं दे पाएंगे, आप प्लेन खरीद रहे हैं 60 और 65 करोड़ का, और जो हमारी गरीब बहनों की बेटियों की शादी की जहाँ बात आती है तो 51,000 रुपये आप देने से मना कर रहे हैं, और जहाँ हम किसानों की ऋण माफी की बात करते हैं, सिंधिया जी ने सरकार को ललकारा था और उन्होंने कहा था कमलनाथ जी काम नहीं करेंगे तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, तो मैं उनको उनसे ये जवाब मांगना चाहती हूँ कि जब आपने कांग्रेस की सरकार छोड़ी, आपने इसीलिए सरकार छोड़ी थी कि जनता का काम नहीं हो रहा, विकास कार्य रुके हुए हैं, किसानों का ऋण माफ़ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सड़कों पर उतरूंगा, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि 4 महीना हो गए आपने कांग्रेस को छोड़े, तो आप सड़कों पर उतरिए और वो कार्य विकास के करिए जिस कारण आपने कांग्रेस की सरकार बना के भाजपा का दामन 22 विधायकों के साथ थामा था, और आज 22 विधायक और आप कांग्रेस में हैं, तो अभी तक तो पूरी सड़कें नाप लेना चाहिए थी मध्य प्रदेश की। मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार है और आपको खुली छूट है, आप सड़कों पर निकलिए और आप वो विकास कार्य जो रुके हुए थे हमारी सरकार में वो करिए, नहीं तो 15 महीने की सरकार ने जो कांग्रेस में काम किए थे आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने में जो विकास हुआ है, चाहे युवाओं की बात करें या महिलाओं की उसकी बात करें पेंशन की, या फिर हम बिजली के बिल की बात करें या किसानों की ऋण माफी की बात करें, आज कांग्रेस सरकार ने सब कुछ 15 महीने में कर दिया था जो भाजपा की सरकार ने 15 साल में नहीं किया था, और दोबारा हमारी महिलाएं घर घर जाकर
विश्वास दिलाएंगी जनता को और 15 महीने के कार्यकाल लेके उनके द्वार तक जाएंगी और उनसे निवेदन और विनती करेंगी कि आप देखिए 15 महीने की सरकार का काम और ये 15 साल की भाजपा की सरकार का काम, आपको किसको चुनना है। दूध का दूध और पानी का पानी इनके नज़र में आएगा। आज हमारी 27 सीटें, हम 27 सीट जीतकर वापस कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और मध्य प्रदेश में फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार होगी, अमन चैन होगा, हमारे किसान आत्महत्याएं नहीं करेंगे, हमारी बेटियों के साथ रेप गैंगरेप जैसी जो घटनाएं दोबारा शुरू हो गई इन पर भी अंकुश लगेगा और ये कोरोना जैसी महामारी है इस पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार ने जैसे ही कदम रखे वैसे ही इस महामारी ने भी पैर फैलाए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश में ना होकर बेंगलुरु में बैठे हुए थे, इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो आज ये हमारी पूरी मध्य प्रदेश की जनता कोरोना की महामारी से जूझ रही है और महामारी के साथ साथ जो गरीबी और जो आज हमारे क्षेत्र में लोगों ने आत्महत्या की है, जो गरीब आदमी पैदल चल के आया भूख प्यासे जो मरा है, जिन्होंने आत्महत्या की है, ऐसा सारा समय खत्म होगा, कमलनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। हम सब बहनों की तरफ से आज आपके सामने मैं बात करना चाह रही हूँ कि हम सब मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और सत्ता में आने से सारी ये विघ्न बाधाएं खत्म। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।